हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली है। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है होली और ये ब्लॉग कल जाएगा, बट मैं फिर भी हैप्पी होली बोल रही हूँ। कल ही सही बोलना तो है, पहले भी बोली थी और कल भी बोल रही हूँ हैप्पी होली। तो ये ब्लॉग मेरा कल जाएगा। तो मैं क्या हुआ कि इस बार कोरोना वायरस का तो सब आप लोग सुन ही रहे हो, और बहुत बिल्कुल सख्त मना किया गया है कि बाहर नहीं जाना है। तो हम इस बार फर्स्ट टाइम अपने घर पे ही होली सेलिब्रेट करें, और कैसे सेलिब्रेट करें वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि घर पे भी होली मना सकती हूँ। ऐसे मजा आया, अच्छा लगा। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपना होली कैसे मनाई घर पे। तो देख सकते हैं हमारी होली ऐसी हुई, कुछ फ्रेंड्स घर पे ही आए थे और गुलाल लगाते हुए तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखो, ये सब पकड़ पकड़ एक दूसरे को यहाँ पोछा लगा रहे थे अभी गुलाल पे। और इसके बाद हम कुछ डांस वांस के वो सब भी मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना डांस मस्ती किए। और हम खूब डांस वांस किए, तो मैंने फिर उन्होंने रिकॉर्ड किया गया। तो देखो कितना अच्छा डांस कर रहा है ये। तो देखो मैं कितना यम्मी यम्मी फूड बनाई हूँ होली स्पेशल, आप देख सकते हो। थोड़ा सा आप लोग भी खा लो। देख सकते हो होली स्पेशल क्या सब मैं बनाई थी। पूजा ले खुद घर चला गया। अरे हाँ, वो मैंने गाड़ी में खाली करके तो सुबह सुबह से निकलने की बात हो रही थी। कैंसिल कौन किया था? देवा। हम क्यों नहीं गए? हाँ, हम यहीं आके सो रहे थे। सो रहे थे। फिर आप बहुत गए ना? हाँ, सोते रह गए। शिमला भी गए थे सर। घूमा नहीं था शिमला। तो हो गया है हमारा होली, देख सकते हो थोड़ा बहुत कलरफुल। और सबके पास पिंक कलर ही था, मैं भी पिंक कलर ली थी और वो सभी पिंक कलर लेके आए थे, तो मल्टी कलर नहीं हुआ, बस पिंक कलर हुआ। अच्छा लग रहा है ना होली में, कभी कभी अच्छा लगता है। चलो मैं यहाँ कैमरा को फिक्स कर देती हूँ, तब मैं आपसे बात करती हूँ। देख सकते हो ड्रेस भी मेरा। अब हम लोगों का खाना वाना तो बन ही गया था। बहुत कुछ बनाई थी मैं, बनाई थी जो बनता है, मटन बनाई थी, मालपुआ बनाई थी, गुजिया खरीद के लाई, गुजिया मेरे को आता नहीं है तो गुजिया खरीद के लाई थी। और फिर बनाई थी क्या, स्वीट्स था, दही बड़े थे, और मेरे को भी नहीं याद है कुछ और था, कोल्ड ड्रिंक्स यही सब जो हल्का फुल्का होता है। मुझे उतना ज़्यादा कुछ मतलब बनाने का वो होता है नहीं, मूड होता है नहीं है, जो फटाफट बनता है बस। मटन तो फेवरेट है ना, मतलब मटन तो आज होली का सबसे मेन जो होता है मटन और पुआ। हम तो मेरे यहाँ जो होता है हम लोग के इधर जो मटन पुआ मेन होता है होली में, तो बस यही सब था। बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मस्ती किया हम लोग, डांस वांस थोड़ा चला, वो तो आप लोग देख ही लिए होंगे। तो टोटल मिला कैसा रहा हम लोग का होली, और शाम को अब क्या करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ, अभी ये सब खाली हो तो लंच मुझे लगता है अब ब्रेक से ही होगा। तो नहा हुआ के लंच थोड़ा सा चावल बनाऊंगी, चावल या पुलाव कुछ बनाऊंगी, और फिर मटन पुलाव खाऊंगी। खाने का मूड तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि खाली पूरा हैवी हो गया है। तो देखती हूँ क्या लंच बनाती हूँ, उसके बाद फिर कि जाने के बाद हम दोनों का भी होली हुआ, क्योंकि हम दोनों का होली हुआ नहीं था तो होली तो खेलना चाहिए ना। तो ये देखो कितने सारे मतलब लगा हुआ था कलर, उसके ऊपर से भी कलर पूत दिया, तो मैं भी छोड़ी नहीं, मैं भी लगा दी बहुत सारा।
और सब बार तो हम बहुत होली खेलते थे, बट इस बार कहीं बाहर गए नहीं, तो घर पे ही जितना कुछ हुआ बस उतना ही खेल लिए और दोनों की मस्ती स्टार्ट है यहाँ। ये देखो मैं पूरा बाल में भी डाल दी इनके, तो देख सकते हो मेरे हाल, मेरे बालों का, मेरे फेस का हाल। कब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और नहा के फिर मैं नहा के आप लोगों से मिलती हूँ। ये देखो ये शाम में अभी मिल सकती हूँ, शाम में मिल सकती हूँ, तो पहले नहा लूँ। ये हाल देखो मेरा पूरा गंदा हो गया, टी शर्ट ये सब पूरा। तो मैं आती हूँ नहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। नॉट बैड, ऐसे बांधती हूँ और कलर तो चले गए मेरे फेस से, थोड़ा सा था उसमें भी कलर, देख सकती हूँ। क्या बोलते हैं अबीर में, अबीर जो होता है ना, क्या गुलाल, हम लोग अबीर बोलते हैं गुलाल, गुलाल में भी थोड़ा सा कलर था, बट मेरे फेस पे लगा था। दो बार फेस वॉश करी हूँ तो चला गया, नहीं है पर्दा भी लगाती थी मैं, नहीं है चले गए। और बाल भी गीला है, बाल को मैं ऐसे बन बना देती हूँ। तो अब मैं अपने घर का हाल दिखाती हूँ, बहुत बुरा हो गया है, मुझे नहीं लगता कि मैं साफ़ कर पाऊँगी। अब कल मेड आएगी, मेड आज छुट्टी पे है होली के दिन, मतलब जितनी ही मेरी मेड होती है, मेरी मेड क्या सबकी जो भी है वो सब छुट्टी पे रहती है होली के दिन। मैं ऐसे ही छुट्टी दे देती हूँ क्योंकि उन लोगों का भी तो होली है ना, तो काम कराना अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी आएगी भी नहीं तो उसे अच्छा है छुट्टी कर दो, कि मैं भी शांत रहूँ वो भी शांत रहे। तो आज मेरा घर बहुत ही गंदा हो गया है और वेदर बहुत ख़राब हो गया है। देखो दिखाती हूँ, वेदर बहुत ही ख़राब हो गया है, बादल लग गई है। ये देखो बाहर का वेदर, बहुत ही ख़राब हो गया है, हवा भी चल रही है तेज और बादल भी लग गए हैं। इसलिए मैं थोड़ा बाल भी सुखा लूँ। तो देख सकते हो आप मेरा रूम कितना गंदा हो गया है। तो मैं सोची क्यों ना जब तक लंच बन रहा है तब तक साफ़ कर दिया जाए, नहीं तो कल तक ये ऐसे ही रह जाएंगे। क्लीन हो गया थोड़ा सा, भी जो गंदा रहता है ना, डस्ट रहता है ना, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं सोची छोड़ देती हूँ, मेड आई कल तो करेगी, बट मेरे से नहीं, बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं सब साफ़ कर दी, देख सकते हो कितना निकला है वहाँ, उसको भी थोड़ा निकाल दूँ, साफ़ कर दूँ। हो गया पूरा क्लीन हो गया घर, देख सकते हो कितना क्लीन हो गया है। मेरे से गंद मतलब जो थोड़ा सा भी डस्ट देखूँ ना, नहीं होता है मेरे से रहा हुआ। और झाड़ू खुद से उठा लेते हो, देखो कितनी धूप आ रही है। अभी वेदर बहुत ही ख़राब था, अभी धूप इतनी निकल गई, बहुत बादल लग गई थी और धूप देखो पूरा मेरे फेस पे आ रहा है। और शाम का बज रहा है, टाइम हो रहा है, दिख नहीं रहा है यहाँ से, शाम हो गई है और धूप कड़क है। हे फ्रेंड्स, तो अब मेरा सब झाड़ू वाड़ू सब लगाती हूँ, पूरा मतलब जितना रूम तक क्लीन करती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने, और लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा लूँगी रेस्ट, क्योंकि बहुत टायर्ड हो गई, सुबह से उठी हूँ बहुत टायर्ड हो गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट। और आज खाना भी कुछ ज़्यादा ही बनाना था, तो उसमें भी थोड़ा सा थकान तो होती है। तो चलिए मैं अपना लंच करके और करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और शाम में मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड्स, तो हम दोनों नीचे गए थे सोसाइटी में, नीचे होली का जो होता है, तो दिन में तो हम लोग नहीं गए क्योंकि नीचे दिन में कुछ ऐसा होली हुआ नहीं। तो अभी हम गए और ये गाय देख सकते हैं, और हम आ गए हैं घर। तो हमारे यहाँ होता है ऐसे कि होली के शाम में, दिन में तो होली कलर जो भी खेलते हैं, गुलाल जिसको जो खेलना होता है वो खेलते हैं, और होली के शाम में सबके जो बड़े होते हैं उसके पाँव पे कलर डाला जाता है, और सर पे जो छोटे होते हैं उसके सर पे टीका लगाया जाता है। तो यहाँ तो कोई बड़े नहीं है, जो भी रिलेटिव्स वो दूर में है, तो मैं शाम को होली की शाम को मतलब होली के दिन या शाम में कहीं जाती नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब डर लगता है थोड़ा, तो मैं कहीं जाती नहीं। तो यही नीचे सोसाइटी में ही
अभी गई थी, अभी आई हूँ, देखे हैं आप तो अभी नीचे सोसाइटी, और मैं वहाँ कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है तो सब पूछो तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं वहाँ बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं अपना ऊपर आ गई हूँ अभी, और ज़्यादा टाइम रेडी जो हो रही थी वो भी मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी। तो ये देख सकते हो एक सिंपल सा जिमका भी, और उस दिन जो ड्रेस मैं दी थी कुर्ती, कुर्ती नहीं मतलब मैक्सी ड्रेस है, ये पूरा फुल नीचे नी तक है मैक्सी ड्रेस, वो पहनी हूँ ऑरेंज कलर का, ये देख सकते हो जो उस दिन आपको दिखाई थी शॉपिंग करके लाई थी कल ही, तो वो पहनी हूँ, और बस एक जुड़ा ये इस टाइप को बनाई हूँ। तो मेकअप करते टाइम में काफ़ी लेट मतलब हल्का फुल्का लिपस्टिक लाइनर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी थी मैं शाम को, और ज़्यादा टाइम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, तो मैं नीचे चली गई, सभी इकट्ठा हो गए थे तो नीचे चली गई, और वहाँ जो होता है मतलब सब यही जो हजबने हस्बैंड यहाँ लगाते हैं बाकी सब यहाँ लगाते हैं बड़े, तो मेरा ये लगाए हैं नीचे ही बड़े बड़े जो थे सब नीचे वो ये टीका लगाए हैं, मैं भी सबके पाँव पे डाली, तो इतना सब होता है शाम को यही सब, और कुछ मिठाई उठाई खाया जाता है, तो मिठाई तो इकट्ठा जो सोसाइटी का होता है वही था सोसाइटी की तरफ से ही, मतलब मिठाई का जो स्वीट्स का अरेंजमेंट था वही था, तो वो सब थोड़ा बहुत कॉफ़ी में कॉफ़ी स्नैक्स था और स्वीट्स था, जैसा हम खाए और ये सब टीका वीका लगा के आ गए। तो अब मैं आ गई हूँ घर, और डिनर तो बनाना है नहीं क्योंकि बहुत सारा डिनर मतलब बहुत सारा कुछ हाथ दुख गया मेरा, बहुत कुछ बना ही है तो डिनर बनाना है नहीं, शायद कुछ बना दूँ। फ्रेंड्स तो ये कैसा ये जो होली का जो व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा पक्का बताना कमेंट सेक्शन में, और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बताना क्योंकि मुझे मैं बहुत फटाफट मतलब क्विकली रेडी हुई हूँ ना, कुछ करी हूँ लाइनर और लिपस्टिक लगाई, बाकी कुछ भी मैं मेकअप नहीं करी क्योंकि बहुत लेट हो गई थी, तो फटाफट रेडी होकर नीचे जाना था बस इतना ही क्यों, तो मैं कैसी लग रही हूँ वो भी पक्का बताना कमेंट सेक्शन में, अगर अच्छी लग रही हो तो बताना। तो फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।